गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कल की क्लास में जो पढ़ाया गया था वह याद होगा। आज आप कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको पढ़ाया गया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैरेक्टर मेन्यू का उपयोग क्यों करते हैं? कैरेक्टर मेन्यू से आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ पर उन सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो उसमें उपलब्ध होते हैं, जैसे कि फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, आउटलाइन एंड शेडो इत्यादि। इन सबको उपयोग कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इंडेंट एंड स्पेसिंग से क्या होता है? इंडेंट एंड स्पेसिंग की मदद से लाइन अथवा पैराग्राफ के बीच में स्पेस दे सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पेज बैकग्राउंड से क्या होता है? पेज बैकग्राउंड से आप स्लाइड या पेज के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि चेंज केस से क्या होता है? चेंज केस की मदद से आप लिखे हुए लाइन या पैराग्राफ को कैपिटल में कर सकते हैं, स्मॉल में कर सकते हैं, आप चाहें तो सेंटेंस केस में भी बदल सकते हैं, अलग-अलग केस में आप बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्लाइड डुप्लीकेट का उपयोग क्यों करते हैं? स्लाइड डुप्लीकेट से आप स्लाइड का कॉपी कर सकते हैं। जिस स्लाइड का डुप्लीकेट करेंगे उसी के जैसा सेम टू सेम एक स्लाइड आ जाएगा। अब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करें और नए तरीके से फाइल को ओपन करना सीखें। आइए सीखते हैं शॉर्टकट कमांड से इंप्रेस की फाइल को कैसे ओपन करते हैं। इसके लिए आप विंडो बटन को लेफ्ट हैंड से एक फिंगर से दबा के रखेंगे, दूसरे हाथ से आर के बटन को दबाएंगे, जिससे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसे रन कमांड बॉक्स कहते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दिया दे रहा होगा। आप इसको बैकस्पेस बटन से मिटा दें और यहाँ पे एस इम्प्रेस टाइप करें, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर ओके बटन पे क्लिक कर दें, जिससे एक बॉक्स ओपन हो जाएगी। फिर एम्प्टी प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लें और फिर क्रिएट पे क्लिक कर दें, जिससे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। आइए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में आप टूल्स मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू और विंडो मेन्यू के बारे में सीखेंगे, जैसे कि स्पेलिंग का उपयोग क्यों करते हैं, गैलरी का उपयोग क्यों करते हैं, स्लाइड को बड़े स्क्रीन में कैसे देखते हैं, स्लाइड शो सेटिंग का उपयोग क्यों करते हैं, कस्टम एनिमेशन से क्या होता है, स्लाइड को हाइड कैसे करते हैं, न्यू विंडो कैसे लेते हैं और विंडो को क्लोज कैसे करते हैं। क्या आपने फाइल ओपन कर लिया है? अगर नहीं तो दोबारा से वीडियो की मदद से सीखें। अब आप 5 स्लाइड को इंसर्ट करेंगे और हर एक स्लाइड पर अलग-अलग कार्य करेंगे। पहले स्लाइड पे आप अपने बारे में 5 लाइन टाइप करें। आप चाहें तो स्लाइड डिजाइन भी बदल सकते हैं। अगर कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो की मदद से माई सेल्फ यानी कि अपने बारे में लिखना शुरू करें। सबसे पहले 5 स्लाइड को इंसर्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे 5 स्लाइड इंसर्ट किया जा रहा है और हर एक स्लाइड को टाइटल स्लाइड में चेंज करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हम इन सभी स्लाइड को टाइटल स्लाइड में चेंज किया लेआउट के ऑप्शन में जाके, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से ये 5 स्लाइड हमने इंसर्ट कर लिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले स्लाइड पे अपने बारे में लिखना है तो इसीलिए हमने सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जहां पे टाइटल लिखा हुआ है वहां पे क्लिक कर दें तो आपका कर्सर आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना है क्योंकि हमें यहाँ अपने बारे में लिखना है, इसीलिए यहाँ पे हम टाइटल देंगे अबाउट माई सेल्फ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे अबाउट माई सेल्फ लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से आप भी अपने स्लाइड पे लिखें। फिर हमें अपने बारे में कुछ लिखना है तो नीचे हम कर्सर को ले आएंगे और स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। कर्सर को हमने नीचे लाए
वहां पे क्लिक किया, कर्सर आ गया। तो अब आप अपने बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा जा रहा है माई नेम इज दीपक। तो इसी प्रकार से आप अपने स्लाइड में अपना नाम लिखें, पहली लाइन लिखें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर सेकंड लाइन में जाने के लिए एंटर बटन का उपयोग करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने एंटर बटन का उपयोग किया तो सेकंड लाइन आ गई और यहाँ पे लिखा गया आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे अपनी उम्र के बारे में लिखें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जब आपका सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए एंटर बटन का उपयोग करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने एंटर बटन का उपयोग किया तो नेक्स्ट लाइन आ गया और यहाँ पे हम टाइप करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, तो आप भी अपने स्कूल के बारे में लिखें। यहाँ पे लिखा है स्कूल माई स्कूल्स नेम इज कंप्यूटर शिक्षा। तो इसी प्रकार से आप अपने स्कूल के बारे में लिखें या स्कूल का नाम लिखें। फिर लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो एंटर बटन का उपयोग करें नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अगली लाइन पे लिखें अपनी हॉबीज के बारे में लिखें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है वीडियो के अंदर, यहाँ पे लिखा है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो आप इस प्रकार से अगली लाइन में अपने हॉबीज के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे हॉबीज के बारे में लिखा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से आप अपने बारे में टाइप कर लेंगे। ये हुआ अपने बारे में लिखना, क्योंकि अब हमें इसका डिजाइन चेंज करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्लाइड का डिजाइन कैसे चेंज करते हैं। स्लाइड के डिजाइन को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर स्लाइड डिजाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, फिर लोड के ऑप्शन पे क्लिक करें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीन चार आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि माई टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड और प्रेजेंटेशन। क्योंकि हमें बैकग्राउंड में डिजाइन लगाना है तो प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन के ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे अभी सिर्फ दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपके कंप्यूटर में बहुत सारे डिजाइन उपलब्ध होंगे, तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लें। जो आप सिलेक्ट करेंगे वो डिजाइन यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको आपको अपने स्लाइड पे लगाना है तो इसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दें, वह डिजाइन आपकी स्लाइड पे आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने बारे में लिख सकते हैं और साथ में स्लाइड का डिजाइन भी बदल सकते हैं। अगले स्लाइड में आप कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो को देखें। आइए वीडियो की मदद से अपने स्लाइड पर पिक्चर को इंसर्ट करना सीखें। सबसे पहले जिस स्लाइड पे आपको पिक्चर इंसर्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं ये अभी हमारा टाइटल स्लाइड है। क्योंकि हमें पिक्चर को ब्लैंक स्लाइड पे इंसर्ट करना है इसीलिए लेआउट में से हम ब्लैंक लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमारे पास ब्लैंक स्लाइड है, अब हमें इसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को इंसर्ट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं एक बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स आने के बाद अपने पॉइंटर को पिक्चर के ऑप्शन पे लेके जाएं और वहां पे कर्सर को रखें तो एक ऑप्शन आ जाएगा फ्रॉम फाइल और स्कैन का। हमें फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं आप किसी दूसरे लोकेशन से भी पिक्चर को ले सकते हैं, जिस लोकेशन में आपने पिक्चर को सेव कर रखा है। उसके बाद पिक्चर को सिलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। आपका पिक्चर जिस लोकेशन पे आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पिक्चर पे सिलेक्ट किया क्योंकि हमारा पिक्चर पिक्चर के फोल्डर में सेव है, इसीलिए हमने पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट किया। जैसे ही हमने पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी एक पिक्चर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और उसके बाद ओपन के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे जो पिक्चर आपने सिलेक्ट किया था
वह पिक्चर आपकी स्लाइड पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जब पिक्चर आपकी स्लाइड पे आएगा तो आप ध्यान से देखेंगे वहां पे कुछ डॉट्स बने होंगे ग्रीन कलर के, आप इन डॉट्स की सहायता से पिक्चर को रिसाइज मतलब उस पिक्चर के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं और उसको ड्रैग करके स्लाइड में कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने पिक्चर के बाहर क्लिक किया, जो ग्रीन कलर का जो बटन बने हुए थे, जो बॉक्स बना हुआ था, वो चला गया। इस प्रकार से आप पिक्चर को इंसर्ट करना सीख सकते हैं या पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप अपने स्कूल या टीचर के बारे में टाइप करें और अगले स्लाइड में कोई भी इमेज को ड्रॉ करके दिखाएं और उसके बारे में एक लाइन लिखें। आखिरी स्लाइड को ब्लैंक रहने दें। बताए गए तरीके से क्या आप सभी ने स्लाइड को बना लिया है? अगर नहीं तो दोबारा से वीडियो को देखें। आइए अब टूल्स मेन्यू को सीखना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन स्पेलिंग का है। क्या बता सकते हैं कि स्पेलिंग ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? स्पेलिंग से आप टेक्स्ट की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत स्पेलिंग लिखा है तो उसे स्पेलिंग ऑप्शन से ठीक कर सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि स्पेलिंग का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से स्पेलिंग चेक यानी स्पेलिंग सब मेन्यू के बारे में सीखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेलिंग से आप अपने या गलत स्पेलिंग को आप ठीक कर सकते हैं। जो भी आपने गलत स्पेलिंग लिखा है आप इस ऑप्शन की मदद से उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले एक स्लाइड को सिलेक्ट करें और उसके बाद और उस स्लाइड में कुछ टाइप करें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आप स्पेलिंग को गलत टाइप करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे अबाउट की स्पेलिंग हमने यहाँ पे ए बी ओ टी टाइप किया, उसके बाद हमने यहाँ पे माई सेल्फ लिखा और नीचे स्लाइड में क्लिक करके अपने बारे में आप टाइप करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप स्पेलिंग को गलत रखेंगे, क्योंकि हमें स्पेलिंग चेक की मदद से इन स्पेलिंग को ठीक करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे माई नेम, हमने नेम की जगह एन ए एम लिखा है, इस दीपक लिखा। फिर जाके हमने एंटर बटन का उपयोग किया अगली लाइन में आने के लिए, और फिर हमने वहां पे माई स्कूल, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने स्कूल की जो स्पेलिंग है वो हमने यहाँ पे गलत टाइप किया, क्योंकि हमें इसको स्पेलिंग चेक की मदद से ठीक करना है, इसीलिए हम यहाँ पे गलत टाइप कर रहे हैं। फिर आगे हमने कंप्यूटर लिखा और कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर की स्पेलिंग को भी गलत लिखा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी भी हमने गलत स्पेलिंग लिखा है उसके नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ गई है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि अब हमें इसे ठीक करना है, सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हमने अपने पॉइंटर को अबाउट लिखा ऑप्शन पे रखा और उसको सेलेक्ट कर लिया। उसको सेलेक्ट करने के बाद टूल्स मेन्यू पे लेके गए और स्पेल चेक ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट कमांड F7 होता है, तो आप F7 का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही हमने स्पेल चेक पे क्लिक किया, जो आपने टाइप किया था अबाउट माई सेल्फ वो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे सजेशन में बहुत सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इनमें से जो करेक्ट वर्ड आपको लगता है आप उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हमने अबाउट लिखा था तो हम अबाउट की स्पेलिंग देखेंगे, ABOUT, ये अबाउट है, इसको हमने सेलेक्ट किया और चेंज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमने माई सेल्फ लिखा था, माई सेल्फ की स्पेलिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गलत है, तो उसके बाद हम जो इसका करेक्ट स्पेलिंग है वो चेक करेंगे कहाँ पे है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे माई सेल्फ लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करें और चेंज पे क्लिक कर दें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, फिर यहाँ पे ऑप्शन आया है स्पेल चेक ऑफ इंटायर डॉक्यूमेंट हैज बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब
जो स्पेलिंग चेक किया था वो पूरे डॉक्यूमेंट में कंप्लीट हो गया है। फिर ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे जो हमने चेंजेस किया था वो चेंजेस आपके यहाँ पे स्लाइड पे दिखाई देगा। जो उसकी गलत स्पेलिंग थी वो स्पेलिंग अब करेक्ट हो गई है। इस प्रकार से आप स्पेल चेक की मदद से स्पेलिंग को आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें अगला ऑप्शन नेम का है उसको ठीक करना है। हमने कर्सर को वहां पे रखा, टूल्स मेन्यू पे लेके गए और स्पेल चेक पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे पूरा पूरा सेंटेंस दिखाई दे रहा है, माई नेम इज दीपक। जैसे कि आप देख सकते हैं नेम की स्पेलिंग गलत है। तो आप सजेशन में देख सकते हैं उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं जो से रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं। जो आपको करेक्ट वर्ड लगता है उसको आप सिलेक्ट करें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमें नेम लिखना था, हमें नेम की स्पेलिंग यहाँ पे मिल गया, उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद चेंज पे क्लिक कर दें, जो वहां पे गलत स्पेलिंग था वो इसके साथ बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं माई नेम इज दीपक। अभी आप देख सकते हैं दीपक पे रेड कलर से आ रहा भी हाईलाइट। तो ये क्योंकि ये हिंदी का वर्ड है, जो आपका कंप्यूटर होता है इसमें बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट होता है, इसीलिए जो आपको जो हिंदी फॉन्ट होता है वो उसको भी गलत वो अंडरलाइन करके दिखाता है, क्योंकि ये इंग्लिश के डिक्शनरी में हिंदी वर्ड्स उपलब्ध नहीं होते, इस वजह से उसे गलत शो करता है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इग्नोर वंस पे क्लिक कर दें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे हमने इग्नोर वंस पे क्लिक किया तो अगला वर्ड जो हमने गलत टाइप किया था स्कूल, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं स्कूल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, उसको ठीक करना है। तो आप देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो नीचे आ गए हैं। हमें स्कूल से लिखना है, जो इनमें से आपको करेक्ट वर्ड लगे उस वर्ड को आप सिलेक्ट करें और चेंज पे क्लिक कर दें। फिर से देख सकते हैं यहाँ पे नेम लिखा हुआ है जो नेम की स्पेलिंग गलत है। इसके लिए आप फिर से सजेशन बॉक्स में जाएं और वहां पे देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर चेंज पे क्लिक कर दें। जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे वो वर्ड रिप्लेस हो जाएगा। फिर अगला वर्ड देख सकते हैं कंप्यूटर, उसकी भी स्पेलिंग गलत है। आप सजेशन बॉक्स में जाएं, वहां पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं। जो सही वर्ड है उस वर्ड को आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद चेंज पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शिक्षा लिखा हुआ है वो भी एक हिंदी वर्ड है, इसीलिए इसे इग्नोर वंस कर दें और फिर जाके चेंज पे क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से जितने भी आपने गलत स्पेलिंग लिखी थी वह स्पेलिंग चेक स्पेल की मदद से ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से आप चेक स्पेल से किसी भी वर्ड को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चेक स्पेल का उपयोग करना सीख सकते हैं। अगला ऑप्शन गैलरी का है। क्या आप बता सकते हैं कि गैलरी ऑप्शन से क्या होता है? गैलरी की मदद से आप अपने स्लाइड पर अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स लगा सकते हैं। गैलरी की मदद से आप विभिन्न प्रकार के इमेज लगा सकते हैं और स्लाइड का बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि गैलरी का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से गैलरी का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट कर लें, उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट के ऑप्शन में जाके ब्लैंक लेआउट को सिलेक्ट कर लें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को टूल के ऑप्शन पे लेके आए, वहां पे क्लिक कर दें जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक बॉक्स आ जाएगा। फिर गैलरी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही गैलरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गैलरी के ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इमेजेस जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा हाइड और शो का। जैसे आप हाइड के बटन पे क्लिक करेंगे जो गैलरी का ऑप्शन आया था वो हाइड हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से अपने पॉइंटर को इस शो वाले ऑप्शन पे लेके जाएं और वहां पे क्लिक कर दें, जो आपका गैलरी का ऑप्शन था वो फिर से शो हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की थीम उपलब्ध हैं।
इनमें से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस, अलग अलग प्रकार के थीम और अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं। इनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लें। आप अपने लेफ्ट राइट में देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के थीम दिए गए हैं, जैसे कि एरो, बैकग्राउंड, बुलेट्स, कंप्यूटर, डायग्राम इत्यादि। इनपे आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इनमें से किसी एक थीम को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के थीम दिए गए हैं। फिर हमने यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक किया तो बुलेट्स के ऑप्शन आ गए। इसी प्रकार से हमने कंप्यूटर पे क्लिक किया तो कंप्यूटर के अलग अलग ऑप्शन आ गए। डायग्राम पे हमने क्लिक किया तो अलग अलग प्रकार के डायग्राम आ गए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एनवायरनमेंट पे हमने क्लिक किया तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर्स आ गए। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कैटेगरी दिए हुए हैं, आप उनमें से किसी भी इमेज को आप अपने स्लाइड पे लगा सकते हैं। इमेज को लगाने के लिए सबसे पहले इमेज को एक बार लेफ्ट बटन से क्लिक करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक का उपयोग करना है। राइट क्लिक का उपयोग करेंगे दो ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट और प्रीव्यू का। क्योंकि हमें उस इमेज को कॉपी करना है इसलिए कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे वह इमेज आपकी स्लाइड पे आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आप इस इमेज को आप रिसाइज कर सकते हैं, इस साइज को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आप बाहर लेफ्ट बटन से क्लिक कर दें, जो आपने इमेज को सिलेक्ट किया था वो हट जाएगा। फिर हाइड पे क्लिक कर दें, जो गैलरी का ऑप्शन था वो हाइड हो जाएगा और जो आपने इमेज को सिलेक्ट किया था वो इमेज आपके स्लाइड पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे इमेज के अलग अलग प्रॉपर्टी दिया हुआ है, अगर आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं, अगर इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कलर को चेंज कर सकते हैं, अगर इसके लाइन के साइज को आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद उसको लेआउट में से जाके उसे ब्लैंक लेआउट को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट किया, जो हमारा स्लाइड है वो ब्लैंक हो गया। फिर अपने पॉइंटर को टूल्स के ऑप्शन पे लेके गए, वहां पे हमने एक बार क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमने पहले से गैलरी को हाइड कर रखा था, इसीलिए हमें हाइड के बटन पे फिर से लेके जाना है। जैसे ही वहां पे कर्सर को ले जाएंगे तो 100 लिखा हुआ आएगा और वहां पे क्लिक कर दे। जैसे ही 100 पे क्लिक करेंगे जो गैलरी का ऑप्शन है वो फिर से आ जाएगा। आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी पे सिलेक्ट करें, जो आपको इमेज पसंद है उस इमेज को सिलेक्ट करें, उस पे एक बार लेफ्ट बटन को क्लिक करें। फिर उस इमेज को हमें इंसर्ट करना है, उसके लिए राइट बटन का उपयोग करेंगे। राइट बटन को एक बार प्रेस करने पे वहां पे दो ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि इंसर्ट और प्रीव्यू। क्योंकि हमें इस इमेज को इंसर्ट करना है इसलिए इंसर्ट पे क्लिक किया और कॉपी पे क्लिक कर दिया। फिर से हाइड पे जाके क्लिक कर दें, जो गैलरी का ऑप्शन था वो हाइड हो जाएगा। फिर अगर आपको इसके साइज को कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से ड्रैग करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट बना हुआ है। आप किसी भी एक डॉट पे अपने कर्सर को लेके जाएं और लेफ्ट बटन दबा के टच पैड या माउस के द्वारा उसे ड्रैग करें। ड्रैग करेंगे तो उसके साइज को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप गैलरी का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब स्लाइड शो मेन्यू के बारे में सीखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन स्लाइड शो का है। क्या बता सकते हैं कि स्लाइड शो ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? स्लाइड शो से आप स्लाइड को बड़े स्क्रीन में देख सकते हैं। इससे आपकी स्लाइड एक ऐसे व्यू में आ जाएगा जिससे आप सभी स्लाइड को प्ले करके देख सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से स्लाइड शो के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से स्लाइड शो के बारे में सीखें। जैसे कि आप जानते हैं कि स्लाइड शो से आप अपने स्लाइड को बड़े स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहले आपने जितने स्लाइड को बनाया है, आप जिस स्लाइड को आप पहले देखना चाहते हो स्लाइड को क्लिक कर दें, फिर अपने पॉइंटर को स्लाइड शो ऑप्शन पे लेके जाएं और स्लाइड शो पे क्लिक कर दें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं
या इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड F5 का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे या F5 पे क्लिक करेंगे, जो आपकी स्लाइड है वो आप बड़े स्क्रीन में आ जाएंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और सभी स्लाइड्स को देखने के लिए, आपने जितनी स्लाइड्स बनाई है उसके लिए, आप अपने कीबोर्ड के एरो की के बटन का उपयोग करेंगे। जब आप डाउन एरो की करेंगे तो आपकी स्लाइड, जो आपने नीचे स्लाइड बनाए थे, वो आते जाएंगे। इस प्रकार से आप डाउन एरो की का उपयोग करके आप उन सभी स्लाइड्स को देख सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको नीचे की स्लाइड्स देखनी है तो डाउन एरो की का उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको ऊपर की स्लाइड्स देखनी है तो आप एरो की का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड्स के बीच में, यानी आपकी जो स्लाइड्स है उसके बीच में आप स्केप करना चाहते हैं, मतलब उस स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्केप का बटन अपने कीबोर्ड में, स्केप का बटन ढूंढेंगे जिसपे ESC लिखा होता है, उसको दबा देंगे तो आप बड़े स्क्रीन से बाहर आ सकते हैं। और दूसरा तरीका स्लाइड शो देखने के लिए, आप व्यू मेन्यू में जाके और स्लाइड शो के ऑप्शन पे क्लिक करके वहां से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने स्लाइड को कई प्रकार से देख सकते हैं, व्यू मेन्यू की मदद से देख सकते हैं, स्लाइड शो मेन्यू की मदद से देख सकते हैं, और इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड है F5, उसकी मदद से भी आप स्लाइड शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 3 तरीके से स्लाइड शो कर सकते हैं। अगला ऑप्शन स्लाइड शो सेटिंग का है। क्या आप बता सकते हैं कि स्लाइड शो सेटिंग का उपयोग क्यों करते हैं? स्लाइड शो सेटिंग की मदद से आप अपने स्लाइड को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी स्लाइड से आपको स्लाइड शो देखना है। स्लाइड सेटिंग की मदद से आप अपने स्लाइड को मैन्युअली और ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर स्लाइड शो सेटिंग का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं स्लाइड शो सेटिंग का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को स्लाइड शो पे लेके जाएं, स्लाइड शो मेन्यू पे क्लिक करें, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर स्लाइड शो सेटिंग पे क्लिक कर दें, जैसे ही क्लिक करेंगे एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रेंज का। रेंज के अंदर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑल स्लाइड और फ्रॉम। ऑल स्लाइड से आप उन सभी स्लाइड्स को देख सकते हैं जो आपने इंसर्ट किया है। आपने जितनी भी स्लाइड को इंसर्ट किया है वो ऑल स्लाइड की मदद से देख सकते हैं। लेकिन फ्रॉम से आप सिर्फ उन्हीं स्लाइड को देख सकते हैं जो आप, जिस स्लाइड को आप देखना चाहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे थर्ड स्लाइड को सिलेक्ट किया और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दिया। अब हम जब स्लाइड शो करेंगे, जब ये स्लाइड शो होगा तो तीसरे स्लाइड से स्टार्ट होगा। तीसरे स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप स्लाइड के नंबर को, स्लाइड के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड को आप पहले या बाद में देख सकते हैं। फिर से स्लाइड शो पे क्लिक करें, उसके बाद स्लाइड शो सेटिंग को सिलेक्ट करें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये ऑल स्लाइड और फ्रॉम का ऑप्शन है। इस प्रकार से आप, अगर आपको ऑल स्लाइड, अगर आपको सभी स्लाइड देखना है तो ऑल स्लाइड को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन टाइप का आता है। टाइप के अंदर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिफॉल्ट, विंडो और ऑटो। हमने ऑटो के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ऑटो के ऑप्शन से आप अपने स्लाइड को, अपने स्लाइड के पॉज के टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको स्लाइड के बीच में कितना पॉज देना है, कितने टाइम का ड्यूरेशन होना चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 को सेट किया, 5 सेकंड सेट किया और फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक किया, जो हमने 5 सेकंड का जो ड्यूरेशन था वो इस पे अप्लाई हो गया। जब आप स्लाइड शो करेंगे, जब आप स्लाइड शो मेन्यू पे क्लिक करके स्लाइड शो करेंगे, जो आपकी स्लाइड है, जब आप उसको प्ले करेंगे, जो इसके टाइम का ड्यूरेशन दिया था वो 5 सेकंड का है, तो 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो सेकंड स्लाइड शो हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप ऑटो की मदद से
स्लाइड शो के अंदर कितने भी टाइम का आप पॉज दे सकते हैं और उसको उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप स्लाइड सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन कस्टम एनिमेशन का है। क्या आप जानते हैं कि कस्टम एनिमेशन से क्या होता है? कस्टम एनिमेशन से आप स्लाइड पर या ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगा सकते हैं। यह एक प्रकार का इफेक्ट होता है। कस्टम एनिमेशन में बहुत से प्रकार के इफेक्ट उपलब्ध हैं, जिसे आप अपने स्लाइड के टेक्स्ट या इमेज पे या ड्राइंग पर लगा सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कस्टम एनिमेशन का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से कस्टम एनिमेशन का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले जिस स्लाइड पे आपको कस्टम एनिमेशन लगाना है उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया, फिर अपने पॉइंटर को स्लाइड मेन्यू पे लेके गए। जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड शो मेन्यू पे लेके गए और वहां पे कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन आता है और उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया, जो आपके राइट साइड में लेआउट का ऑप्शन होता है वहां पे कस्टम एनिमेशन के ऑप्शंस आ गए, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने यहाँ पे मास्टर पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, मास्टर पेज, कस्टम एनिमेशन। तो हमने यहाँ पे क्लिक करके कस्टम एनिमेशन को लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि एड और चेंज का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने किसी चीज को सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो आप वीडियो में देख सकते हैं जो एड का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से अपने लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया और ऐड पे जाके हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने ऐड पे क्लिक किया एनिमेशन के बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ, माइक इफेक्ट, मिक माइक इफेक्ट, ये सारे एनिमेशन के प्रकार हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमेशन उपलब्ध हैं। आप इनमें से कोई सा भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने टेक्स्ट या इमेज पे लगा सकते हैं। हमने यहाँ एंट्रेंस पे क्लिक किया, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमेशन उपलब्ध हैं। इनमें से जो भी एनिमेशन आपको चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपको और भी एनिमेशन देखना है तो स्क्रोल डाउन करके आप उन सारे एनिमेशन को देख सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आप स्क्रोल डाउन या स्क्रोल अप करके उन सारे एनिमेशन को देख सकते हैं। किसी एक एनिमेशन को सेलेक्ट कर लें, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीव्यू आपको स्लाइड पे दिखाई देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रीव्यू का ऑप्शन है, अगर आप इसको हटा देंगे तो आप कोई भी एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीव्यू दिखाई नहीं देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसका प्रीव्यू दिखाई नहीं दिया। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ऑटोमेटिक प्रीव्यू पे, और उसके बाद ये आपका स्पीड है, यहाँ पे एनिमेशन को आप किस स्पीड से रखना चाहते हैं आप उसकी टाइमिंग को यहाँ से डिफाइंड कर सकते हैं। अगर आप स्लो रखना चाहते हैं तो वेरी स्लो को सिलेक्ट कर लें। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि वेरी स्लो, स्लो, मीडियम फास्ट, वेरी फास्ट, ये सारे एनिमेशन कि आपको एनिमेशन को कितने स्पीड पे रखना है या कितनी देर के लिए चलाना है, कितना फास्ट आपको एनिमेशन को प्ले करना है, इस प्रकार से आप इसके स्पीड को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे सर्कल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसमें सर्कल एनिमेशन अप्लाई हो गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की एनिमेशन हैं, आप किसी भी एक एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स में अबाउट माई सेल्फ, उस पर ये दिखा रहा है कि इस पर कौन सा एनिमेशन लगा हुआ है। जो आपने एनिमेशन कस्टम एनिमेशन सेलेक्ट किया है वो उस लाइन पे यहाँ पे दिखाई देगा। इसी प्रकार से अब नीचे वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, पहले वहां पे क्लिक कर दें और उस लाइन को सेलेक्ट कर लें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को फिर से ऐड के ऑप्शन पे लेके जाएं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे क्लिक कर दें, फिर से एनिमेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सारे कस्टम एनिमेशन के ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे व्हील को सिलेक्ट किया, व्हील एक प्रकार का कस्टम एनिमेशन है,
जैसे ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, व्हील, वाइन, बाउंस। बाउंस से क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है वो बाउंस करने लगेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, जो आपने एनिमेशन को सेलेक्ट किया था वह आपकी लाइन पे लग जाएगी। इसी प्रकार से फिर से दूसरी लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को ऐड के ऑप्शन पे लेके जाएं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस पे अब अलग प्रकार के अब दूसरे एनिमेशन लगाना है, तो इनमें से आप कोई से भी एनिमेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने एंट्रेंस के ऑप्शन में से किया था, अब हम इम्प्रेसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहां पे भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कस्टम एनिमेशन उपलब्ध हैं। आप इनमें से किसी भी एनिमेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्पिन को सिलेक्ट किया, तो जो आपका टेक्स्ट था वो स्पिन होने लगा। फिर सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तीन लाइन पे एनिमेशन लगाया है। तो यहाँ पे आपको तीन लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इसी प्रकार से आप अगली लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे अगली लाइन को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को ऐड के ऑप्शन पे लेके गए, वहां पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कस्टम एनिमेशन के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब अगले ऑप्शन जो एग्जिट का है उस पे क्लिक करें। इसके अंदर भी बहुत सारे कस्टम एनिमेशन उपलब्ध हैं। इनमें से किसी भी एक एनिमेशन को सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद हो। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने फ्लैश वंस पे क्लिक किया तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है। इसी प्रकार से आप कोई से भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्लाई आउट, पीक आउट, कोई सा भी, प्लस रैंडम बार्स। ये सारे कस्टम एनिमेशन के प्रकार हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक एनिमेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपने लाइन सिलेक्ट किया था वो लाइन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब कि वह एनिमेशन उस लाइन पे लग गया है जो आपने कस्टम एनिमेशन सिलेक्ट किया था। इसी प्रकार से फिर से अगली लाइन को सिलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से ऑप्शन आ जाएगा कस्टम एनिमेशन के, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इनमें से किसी भी एक एनिमेशन को आप सिलेक्ट कर ले जो आपको पसंद हो। जैसे कि हमने यहाँ पे फोल्ड ऑप्शन को सिलेक्ट किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन जो हमने लास्ट वाली लाइन सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ गया, उसके ऊपर एनिमेशन लग गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर कस्टम एनिमेशन लगा सकते हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट या इमेज या पिक्चर पे एनिमेशन लगाना है तो उसके लिए पहले उस पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट किया। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको ऐड के ऑप्शन पे जाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास कस्टम एनिमेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने इनमें से किसी एक एनिमेशन को सिलेक्ट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं जो हमने एनिमेशन को सिलेक्ट किया था वो ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। इस प्रकार से आप किसी भी इमेज पे आप एनिमेशन लगा सकते हैं। अगर आप कस्टम एनिमेशन को देखना चाहते हैं तो स्लाइड शो के ऑप्शन पे क्लिक करें। सबसे पहले स्लाइड, अपने पॉइंटर को स्लाइड शो मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे स्लाइड शो का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक कर दें। तो आपने जो जो एनिमेशन लगाया था उस एनिमेशन को आप देख सकते हैं। आप अपने एरो बटन डाउन एरो की से एक एक बार नीचे करते जाएं तो सारे एनिमेशन को आप देख सकते हैं जो एनिमेशन आपने लगाया था। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हम इन सारे एनिमेशन को देख पा रहे हैं। फिर हमने इमेज पे लगाया था, जैसे ही हमने डाउन एरो की को दबाया तो इमेज पे आ गया। तो इस प्रकार से आप एरो की मदद से उन सारे स्लाइड्स को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप कस्टम एनिमेशन का उपयोग करना सीख सकते हैं। अगला ऑप्शन हाइड का आता है। क्या आप बता सकते हैं कि हाइड ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? हाइड के ऑप्शन से आप अपने स्लाइड को छुपा सकते हैं। आप जिस स्लाइड को छुपाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें, स्लाइड शो में जाके हाइड ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जिससे
आपकी स्लाइड हाइड हो जाएगी। जब आप स्लाइड शो करके देखेंगे तो वह फाइल स्लाइड शो में नहीं दिखाई देगी। अब आप स्लाइड को हाइड करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से स्लाइड को हाइड करना सीखें। स्लाइड को हाइड करने के लिए सबसे पहले आप जिस स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही 3 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। जैसे आप स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो, स्लाइड हाइड और डुप्लीकेट का ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली आप स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको मेन्यू बार को सिलेक्ट करना है तो आप मेन्यू बार में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को स्लाइड शो के ऑप्शन पे लेके जाएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। आप स्लाइड को हाइड कर सकते हैं और उस पर जाके क्लिक कर दें। जो आपने स्लाइड को सिलेक्ट किया था वह स्लाइड हाइड हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस स्लाइड को जब आप स्लाइड शो करके देखेंगे, स्लाइड प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको सारे स्लाइड दिखाई देगा, लेकिन जिस स्लाइड को आपने हाइड किया था वह स्लाइड आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से एक स्लाइड को सिलेक्ट करें और उस पर स्लाइड शो करके देखें। जो हमने एनिमेशन लगाया था वो सारे एनिमेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हमने एरो की मदद से हमने एक बार डाउन एरो की को प्रेस किया, लेकिन आपने यहाँ पे गौर किया होगा जो आपको जो सेकंड स्लाइड था जिसे आपने हाइड किया था वो स्लाइड शो नहीं हो रहा, उसी जगह जो यहाँ पे थर्ड स्लाइड है वह थर्ड स्लाइड आ गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से आप एरो की का उपयोग करें, फिर से दूसरी स्लाइड आ जाएगी। उस स्लाइड को वापस लाने के लिए आप सभी को उस स्लाइड को फिर से सिलेक्ट करें और यहाँ पे शो का ऑप्शन है और उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वह स्लाइड फिर से शो हो जाएगा। जब इसको आप प्रीव्यू करके देखेंगे, स्लाइड शो करके देखेंगे, ये स्लाइड फिर से दिखाई देगा। इस प्रकार से आप हाइड स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब विंडो के बारे में सीखते हैं। विंडो में सबसे पहले न्यू विंडो का ऑप्शन आता है। क्या बता सकते हैं कि न्यू विंडो से क्या होता है? न्यू विंडो की मदद से आप एक और फाइल की डुप्लीकेट विंडो ले सकते हैं। आइए अब क्लोज विंडो के बारे में सीखें। क्लोज विंडो से आप करंट फाइल या विंडो को क्लोज कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखें और वीडियो की मदद से विंडो को क्लोज करें। आइए अब वीडियो की मदद से न्यू विंडो और क्लोज विंडो के बारे में सीखें। जैसे कि आप सबको पता है न्यू विंडो लेने के लिए हम, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने विंडो मेन्यू पे क्लिक किया, वहां पे ऑप्शन आया न्यू विंडो का और हमने न्यू विंडो को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने न्यू विंडो को सिलेक्ट किया जो हमारी फाइल थी उसी की जैसे एक फाइल आ गई, यानी कि उसी की जैसे एक विंडो आ गया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं सेम टू सेम उसी की जैसे एक और फाइल आ गई। अब आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो विंडो मेन्यू पे क्लिक करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे दो विंडो है, यानी कि दो फाइल है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अनटाइटल 1 ओपन ऑफिस इम्प्रेस, अनटाइटल 1.2। जो 1.2 है ये जो पहली विंडो है ये उसकी कॉपी है। अब हमें इसे क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज विंडो का ऑप्शन है तो क्लोज विंडो पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लोज विंडो पे क्लिक करेंगे जो आपको जो सेकंड विंडो ओपन हुई थी वो क्लोज हो जाएगी। इस प्रकार से आप न्यू विंडो और क्लोज विंडो का उपयोग करना सीख सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने इम्प्रेस की फाइल को किसी दूसरी जगह पर सेव करें, फिर अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने टूल्स, स्लाइड शो, विंडो मेन्यू के कुछ ऑप्शन के बारे में सीखा, जैसे कि स्लाइड को बड़े स्क्रीन में कैसे देखते हैं, स्लाइड शो सेटिंग से क्या होता है, कस्टम एनिमेशन से क्या होता है, स्लाइड को हाइड कैसे करते हैं और न्यू स्लाइड कैसे लेते हैं, विंडो को क्लोज कैसे करते हैं, इन सभी ऑप्शन के बारे में सीखा।